हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, जो कि थर्ड सेमेस्टर ईसी ब्रांच वालों के लिए है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल एंड ईएक्स ब्रांच वाले विद्यार्थियों के लिए नेटवर्क एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई, आप ईसी या फिर डबल ई वाले हैं तो वो देख लें। सिलेबस डिफरेंट है, इसलिए भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिफरेंट रहेंगे। नहीं तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई नेटवर्क एनालिसिस नाम तो एक ही है, सिलेबस भी एक ही होगा और भाई आईएमपी भी एक ही होंगे, तो वो लोग वही क्वेश्चन करके जाते हैं डिफरेंट ब्रांच का, तो फिर दिक्कत हो जाती है एग्जामिनेशन में, फिर बाद में आके रोते हैं। तो भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। इसी ब्रांच के लिए ये सेपरेट है, डबली और ईएक्स वालों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो उससे वो आईएमपी तैयार कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, हमने आपके जो बाकी के बचे सब्जेक्ट हैं ईएमआई, डीएचडी, एम3, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, जिसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो भाई चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज बताते हैं। दोस्तों, ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, इसको एक बार आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सिलेबस है वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों का है, थर्ड सेमेस्टर इस ब्रांच का। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी अलग हो तो सिलेबस भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यूनिट वाइज हम यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट में से अगर हम सबसे पहले देखें कि भाई न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं, तो यार आपके जो न्यूमेरिकल आएंगे फर्स्ट यूनिट से, वो केवीएल, केसीएल, मेस, नोडल से रिलेटेड आएंगे। आपको एक सर्किट दे देगा, एक ब्रांच दे देगा और पूछेगा इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, फाइंड आउट करो। आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल टाइप। इसके बाद जो थ्योरी में पूछे जाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, साथ के साथ दोस्तों आपको इसको प्रूफ भी करना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी पूछता है प्रूफ करना, मैक्सिमम टाइम आपका जो है वो इसकी थ्योरी सर्किट डायग्राम ही पूछता है और मेन इक्वेशन। तो दोस्तों, आप इतना कर लीजिएगा तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है वो कपलिंग कोफिशियंट। तो दोस्तों, कपलिंग कोफिशियंट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयार करना, क्योंकि भाई 7 नंबर में पूछा जा सकता है। साथ के साथ इसके बाद भाई जो आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन अबाउट सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लेता है फर्स्ट यूनिट से, जैसे कि हो गया आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सोर्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, साथ के साथ आपका रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा वाइस वर्सा। ये 2016 में आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुए। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकेंड की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड आपकी पूरी ग्राफ पर बेस्ड है, इसलिए भाई ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना, 1 से 2 प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आ गया तो आपसे बन जाए। उसके बाद जो आपका सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड में, वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ऑल्सो डिफाइन डुअल नेटवर्क। साथ के साथ दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर दे हुए, तो भाई आप पाओगे कि शॉर्ट नोट्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको 3 सामने दिख रहे हैं, सेट, कट सेट, टाई सेट, शेड्यूल, ओरिएंटेड ग्राफ, सब ग्राफ, फेजर ग्राफ, साथ के साथ ट्री एंड कोटरी। इसको आपको 7 नंबर में तो नहीं, लेकिन दोस्तों 2 या फिर 3 टॉपिक देगा जो कि 7 नंबर में रहेगा। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका 2015 में आया था, आई थिंक ये आपका 7 नंबर में आया था, 6 चीज़ें इसमें पूछी थी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हुई, अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों, पूरी थर्ड यूनिट में आपकी थ्योरम ही दी हुई है, जैसा कि हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, इन 8 थ्योरम में से एक ना एक थ्योरम कभी ना कभी आई ही है। दोस्तों, कहने का मतलब ये जो 8 थ्योरम लिखी हुई हैं, इन्हीं में से एक ना एक थ्योरम आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगी और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 8 थ्योरम्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, साथ के साथ थेवेनिन थ्योरम को अच्छे से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट हुई, अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, यूनिट नंबर फोर्थ में आपकी 2 यूनिट इंक्लूड हैं, लैपलास वाली साथ के साथ ट्रांजिएंट वाली। तो दोस्तों, दोनों यूनिट के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं, स्टेट एंड प्रूफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये लैपलास वाली है। इसके बाद दोस्तों, आपको दिख रहा होगा डिफाइन लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लैपलास, ऑल्सो एक्सप्लेन द साइनोसोइडियल फंक्शन। ये साइनोसोइडियल फंक्शन है, वो कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी इसी के साथ में पूछ लेता है। तो भाई, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत,
इसके बाद जो आपका सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन से, वो आपको सामने दिख रहा है, डिस्कस इनिशियल कंडीशंस इन डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स, जैसे कि हो गया आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एलिमेंट। तो दोस्तों आपको उसको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों डिफाइन फॉलोइंग, इसमें आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, व्हाट इज रेजोनेंस, ऑल्सो एक्सप्लेन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये हो गया आपका टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी अलग से पूछ लेता है, तो मैंने अलग से लिखा है कि भाई आपको आइडिया लग जाए। साथ के साथ फोर्स रिस्पॉन्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स, ये आपको तैयार कर लेना है। अब यूनिट नंबर 4 में से अब अगर हम बात करें कि भाई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो कुछ लेवलास से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 4 से, और बाकी इनवर्स लेफ्लास कम आता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुई, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। दोस्तों 5th यूनिट में सबसे पहले आप ये क्वेश्चन तैयार करिएगा, डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म। ये सर्किट जो दिया हुआ है एज अ एग्जांपल है, इसको आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं, 2017 में आया था। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके बाद जो सुपर इम्पोर्टेंट है यूनिट नंबर 5 में, उसमें आपका ABCD पैरामीटर साथ के साथ एच पैरामीटर की कुछ कंडीशन पूछी जाती है साइमेट्री। ये आपको ऊपर दिख रहा है, कंडीशन ऑफ साइमेट्री फॉर ABCD पैरामीटर्स ऑल्सो फॉर एच पैरामीटर्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद आता है आपका डिफाइन ABCD पैरामीटर फॉर आ टू पोर्ट नेटवर्क। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में आता रहा है, इस बार 90% चांसेस हैं कि आ सकता है, तो इसको छोड़िएगा मत। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है व्हाट इज एच पैरामीटर एज वेल एज जेड पैरामीटर, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशन को भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों हमारे यहाँ पर यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हुई। आपने अभी तक आपके जो बचे सब्जेक्ट हैं उसके IMP वीडियोज नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।